प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक साथ बैठे हुए थे। प्रेमिका अपने प्रेमी से पूछती है, मुझसे शादी करोगी? फिर प्रेमी कहता है, शादी तो फिलहाल नहीं करूंगा। फिर क्या, प्रेमी के सामने ही प्रेमिका ने पुल से सीधे नदी में छलांग लगा दिया। जैसे ही यह घटना आसपास के लोगों को मिली, फिर क्या था, मौके पर हजारों की संख्या में भीड़ जुट गई। युवती की पानी में खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन युवती जितनी ऊंचाई से पानी में कूदी थी, बच पाना नामुमकिन था। किसी लड़के या लड़की को माँ बाप गांव से शहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन आजकल के संतान पर ना जाने इश्क का कैसा बुखार चढ़ा है, जो अपने परिवार की फिक्र किए बिना कुछ भी कर गुजरते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि मेरे परिवार वालों का क्या होगा, लोग मेरे माँ बाप को क्या बोलेंगे। चले पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं, उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आजकल के लैला मजनू के लिए दो शब्द जरूर लिखिएगा, और ऐसा लिखिएगा ताकि पढ़ के इन लोगों को अक्ल आए। सोचिए ना, अब प्रेमी शादी से इनकार किया तो लड़की सीधे नदी में छलांग लगा दी। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं, उससे पहले आप इस पुल को देख लीजिए। इसी पुल से लड़की सीधे नदी में छलांग लगाई है, कैसे मौके पर भीड़ जुटी है। महिला हो, लड़की हो या फिर लड़के हो, कैसे लड़की को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी अपनी नज़रों से। आप सोचिए ना, इतने ऊपर से अगर कोई लड़की नदी में छलांग लगाएगी तो क्या वो बच पाएगी, क्या पानी में उसका कुछ आता पता चल पाएगा। देख लीजिए कितनी गहराई है, कैसे एसडीआरएफ की टीम लगातार उसे ढूंढ रही है। बिहार के गया में प्रेमी ने शादी करने से इनकार किया तो शनिवार की देर शाम सीताकुंड स्थित फल्गु नदी में एक युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती के शव को एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रविवार को बरामद किया। युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। युवती की पहचान गुरारू थाना क्षेत्र के रहने वाली बेबी कुमारी के रूप में की गई है। वहीं बताया जाता है कि युवती और उसके प्रेमी फल्गु नदी स्थित सीताकुंड के पास दोनों आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। कुछ लोग कह रहे थे कि युवती अपने प्रेमी से पूछती है कि क्या तुम शादी करोगे, तभी प्रेमी कहता है मैं शादी नहीं करूंगा। इसी दौरान युवती गुस्से में आकर पुल के ऊपर से कूद गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवती का शव को बाहर निकाला है। हालांकि मुफस्सिल थाना के पुलिस प्रेमी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रेमी युवक और युवती दोनों एक ही जाति से आते हैं और गुरारू थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस दौरान युवती ने शादी करने का अपने प्रेमी पर दबाव बना रही थी, तभी प्रेमी युवक ने शादी से इनकार किया तो गुस्से में आकर युवती ने पुल से छलांग लगा दी। युवती गुरारू थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, लेकिन इनका पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। युवती और प्रेमी युवक मानपुर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती थी। वहीं संबंध में मुफस्सिल थाना के थानाध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद ने बताया कि युवती और प्रेमी युवक में प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों गुरारू थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक ही गांव के हैं। प्रेमी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो उसने सारी सच्चाई बताई है। प्रेमी युवक बताया कि शादी करने से जब हमने इनकार किया तो गुस्से में आकर युवती ने पुल से नीचे छलांग लगा दी और आत्महत्या कर दी। वहीं ये जानकारी सामने आई है कि प्रेमी युवक को अब जेल भेजा जाएगा। इश्क मोहब्बत करना इतना महंगा पड़ सकता है, ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप पहले अपना करियर बनाइए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप आशिकी करिएगा। अगर पढ़ाई लिखाई करने से पहले आशिकी करना शुरू करेंगे तो आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगी, और अगर आपकी प्रेमिका ने कुछ कर लिया तो आपकी जिंदगी पूरी सलाखों के पीछे कटने वाली है। बाकी इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लैला मजनू को अक्ल आए। अब सोचिए ना, कोई परिवार किसी के गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजते हैं, उम्मीद होता है कि मेरा बेटा या बेटी कुछ बेहतर करेगी, लेकिन जब ऐसी ऐसी खबरें सामने आती है तभी पूरे परिवार कहते हैं या फिर लोग कहते हैं या फिर समाज कहता है कि बाहर क्यों भेजना, क्यों पढ़ाई करने के लिए भेजना, चुपचाप बेटियों को शादी करवाओ और ससुराल भेज दो। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आगे वीडियो में देखिए कैसे हुई घटना बता रहे हैं परिवार। बेबी कुमारी यहाँ कैसे पहुँची? यहाँ पहुँची तो हमको पता नहीं, एक बार जो है जानकारी बाद में हुआ कि जो है नहीं आई है, तब हम लोग छानबीन कर रहे हैं तो फिर इसी के मोबाइल से कोई आदमी फोन किया लगा था। क्या बोला? बोला कि वहाँ पहुँची कहते वहाँ पर गिर गई। अभी क्या आपको जानकारी मिली यहाँ आए तो? क्या कारण रहा, कुछ कारण पता है? कारण पता नहीं है, पता तो है मुझे, कोई आदमी है यहाँ का उसको पता चला, उसी से लड़के से मैंने बात की। रहती कहाँ थी? अभी तो गांव पे लेके पढ़ती थी, बीए में रहती थी, गांव पे रहती थी।